बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तनवीर तूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, आज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो इसकी बेस है, जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं, वो लेके आपके सामने हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बेसिक टाइप्स लेके आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं जी, ट्राइंगल क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं और थ्री ही एंगल होते हैं। नंबर वन टू थ्री साइड्स, वन टू थ्री एंगल्स। तो अगर इसमें थ्री एंगल्स थ्री साइड्स हैं, दैट इट्स कॉल्ड टू ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बाद देखते हैं इसकी टाइप्स कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट पे कोई भी एक ले लेते हैं, इक्वल लेटर ट्राइंगल लेते हैं, इक्वल लेटर। तो फर्स्ट पे है इक्वल लेटर ट्राइंगल, ये थी ट्राइंगल। अब इक्वल लेटर ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बनेगी? डियर स्टूडेंट्स, इक्वल लेटरल खुद से बता रहा है, लफ्ज बता रहा है, ये निकला है इक्वल से। इसका मतलब इसमें इक्वलिटी होगी, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी थ्री साइड जो हैं वो इक्वल हों, सेम हों, एक ही जैसी हों। ये हमारे पास एक ट्राइंगल, इसकी ये साइड 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो देखें जरा, अगर कोई भी ट्राइंगल, ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स आपस में बराबर हों। इसको नाम देते हैं ए, समाल से देते हैं ए बी सी। अब ए इक्वल बी इक्वल सी, इसकी थ्री साइड जो हैं वो आपस में इक्वल है। अगर इसकी साइड्स इक्वल हैं, तो मस्ट भी इसके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। अब ट्राइंगल का जो सम ऑफ होता है वो 180 होता है। 180 को अगर थ्री एंगल्स हैं, थ्री पे डिवाइड करेंगे तो 60 होगा। इसका मतलब है इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। तो ये थी हमारे पास इक्वलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद एक और ट्राइंगल लेते हैं, मैं स्पेस कर रहा हूं। अब लेते हैं जी राइट में, लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स की टू डेफिनेशंस हैं। नंबर वन, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, ये इसकी पहली डेफिनेशन है। और दूसरी के मुताबिक जो पैथागोरस का फार्मूला है कि इसका हाइपोटेन्यूज को अगर हम स्केयर में लें और इक्वल में उसकी बेस और उसके एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या फिर हाइट कुछ भी कह सकते हैं आप, बेस और हाइट दोनों के स्केयर को अगर हम जमा करें, सम ऑफ करें, ऐड करें, तो दोनों आपस में इक्वल हो। दोनों कौन से? एक सम ऑफ ऑफ बेस एंड हाइट एंड इक्वल टू किसके इक्वल? इसके हाइपोटेन्यूज के, देन इट्स कॉल्ड टू राइट ट्राइंगल। देखते जरा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। इसकी फर्स्ट एग्जांपल ये है, ये हमारे पास ट्राइंगल और ये एक इसका जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल कर रहे हैं हम। एक जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, तो ये साइन भी 90 डिग्री की है
तो ये जो एंगल है एंगल ए मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री, देन इट्स कॉल्ड टू राइट ट्राइंगल। एक ही एंगल ओनली वन एंगल 90 डिग्री। एंड इसके अलावा एक और भी इसकी एग्जांपल है या फिर कह सकते हैं डेफिनेशन है, और उसके मुताबिक अगर ये ए है इसको बी ले इसको सी ले, इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो बी सी है, बी सी का स्केयर करें और इक्वल में इसकी बेस बी ए इसका स्केयर इसमें ऐड करें इसकी हाइट ए सी, ये दोनों चीजें देख लें ये और ये, यानी कि इक्वल के लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हूं, देन कॉल्ड टू राइट ट्राइंगल। अब इसके बाद हम एक और देखते हैं ट्राइंगल, इसको मैं रेस कर रहा हूं, आइसोसेलस ट्राइंगल लिख लेते हैं। अब आइसोसेलस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। अब इसकी एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी ए बी सी ये और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है ए सी मेजरमेंट ए सी ये किसके इक्वल होगी, ये मेजरमेंट ए बी के इक्वल होगी। एंड नॉट इक्वल टू किसके नॉट इक्वल टू सी बी मेजरमेंट, इसकी टू साइड्स जो है ये साइड और ये साइड ये आपस में एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड अगर जो हमारे पास एक बन जाती है साइड वो नॉट इक्वल, अब ये देखें ये ए सी इक्वल ए बी नॉट इक्वल सी बी, देन इट्स कॉल्ड टू आइसोसेलस ट्राइंगल। अब एक और इसमें चीज आप देखते जाएं जरा, अगर इसकी टू साइड्स हमारे पास इक्वल हैं तो हमारे पास इसकी जो ऑपोजिट एंगल है ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं तो अब देखते हैं कौन सी रह गई है हमारी स्केलर रह गई है स्केलर ट्राइंगल। अब स्केलर ट्राइंगल में इसकी एग्जांपल भी देख लें, स्केलर ट्राइंगल में क्या होगा, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, ए इसको लेते हैं ए बी सी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो देख ले इसमें कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अगर ये पोजिशन हो देन इट्स कॉल्ड टू स्केलर ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इसकी बेस थी जो बेसिक हमारे पास टाइप थी हमने उनको लिया, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज में बता देता हूं थोड़ा सा। नंबर वन पे है इक्वल लेटरल ट्राइंगल। इक्वल लेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इसकी हर साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होती है एंड थ्री एंगल आर सेम, यानी कि थ्री साइड्स भी सेम है थ्री एंगल्स भी सेम है,
देन इट्स कॉल्ड टू इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद है राइट, नंबर टू पे है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या है, इसकी जो फर्स्ट पहचान है वो हमारे पास ये है कि इसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है देन इट्स कॉल्ड टू राइट ट्राइंगल। इसके अलावा इसकी और भी एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि अगर इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल करें, इसकी बेस और हाइट दोनों के स्क्वायर को सम अप करने की, तो आपस में इक्वल आए। उसके बाद नंबर थ्री पे है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, इसमें टू साइड्स आर इक्वल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें जो है वो आपस में इक्वल है, देन इट्स कॉल्ड टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड लास्ट में मैंने लिखा हुआ है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या है, स्केलन में कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के, यानी कि थ्री साइड जो है वो एक दूसरे के नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ऐसी पोजीशन हो कि कोई भी साइड एक ऐसी ना हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो, देन इट्स कॉल्ड टू स्केलन ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, और जिसमें मैंने आपको आसान से अल्फाज में बताने की कोशिश की है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो हैं ये आपको लाजमी आपको आनी चाहिए, ये इसकी बेसिक टाइप्स हैं, इसके आगे भी कुछ हैं, वो फिर कभी मौका मिला तो। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।